हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो दोस्तों, मारुति सुजुकी जिमनी 5-डोर इंडिया में बहुत सारी जगहों पर स्पॉट की गई है। टेस्टिंग के दौरान बहुत सारे लोगों ने इसकी पिक्चर्स भी खींची हैं और इंटरनेट पर काफ़ी जल्दी वायरल भी हुई हैं। अब इसी के सेगमेंट में आने वाली महिंद्रा थार 5-डोर एंड फोर्स गुरखा 5-डोर से ये कैसे बेहतर है और आपको इसके लिए क्यों वेट करना चाहिए, उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके लिए यहाँ पर अमेजिंग कंटेंट बनते रहते हैं, तो प्लीज़ इंजॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर वाइज इसकी लुक्स के बारे में। अगर आप महिंद्रा थार 5-डोर लेते हैं तो आपको वो कन्वर्ट करानी पड़ेगी जीप रेंगुलर की कॉपी में, यानी कि जीप रेंगुलर वाला आपको उसमें DNA मिलता है। लेकिन अगर आप लेते हैं फोर्स गुरखा तो वो आपको मर्सिडीज़ जी क्लास जैसी लगेगी, यानी कि एक्सटीरियर वाइज तो आपको फुल जी वैगन वाला लुक देगी, लेकिन इंटीरियर में जब आप बैठेंगे तब आपको वो जो ट्रक वाली फील होती है वो ऐसी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप वेट करते हैं मारुति सुजुकी जिमनी 5-डोर के लिए तो आपको एक्सटीरियर वाइज तो वो फुल मर्सिडीज़ वाली कॉपी मिलेगी और इंटीरियर में भी आपको मतलब इतनी ज़्यादा सोबर तो नहीं लगेगी कि आपको फोर्स गुरखा वाली फील दे। तो यहाँ पर आपके लिए बढ़िया ऑप्शन बन जाता है जिमनी 5-डोर, क्योंकि ये गाड़ी आपको 2 करोड़ वाली गाड़ी की फीलिंग देगी एक्सटीरियर वाइज और इंटीरियर वाइज आपको थोड़ी सी प्रीमियम लगेगी। अब बात कर लेते हैं फीचर्स वाइज। तो महिंद्रा थार में आपको काफ़ी बढ़िया वाले फीचर्स तो मिल जाते हैं आज की डेट में, और वही सारे फीचर्स आपको कंटिन्यू मिलेंगे इसके 5-डोर वाले वर्जन में, और ये बात महिंद्रा ने भी खुद ही बताई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फोर्स गुरखा की, तो आपको इंटीरियर इतना ज़्यादा बेसिक लगता है, उसमें आपको बस पुराने ज़माने वाला जो कंट्रोल सिस्टम मिलता है वैसा ही आपको उसका पूरा डैशबोर्ड एंड इंटीरियर स्टेयरिंग व्हील सब कुछ वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मारुति सुजुकी जिमनी 5-डोर की, तो आपको काफ़ी बढ़िया वाले फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मारुति आज की डेट में फीचर्स के मामले में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपना A to Z पूरा जोर लगा रहे हैं। तो जिमनी में तो यार ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया वाले फीचर्स मिलेंगे, ऑफ रोडिंग से रिलेटेड एंड फैमिली कंफर्ट से रिलेटेड आपको काफ़ी बढ़िया वाले फीचर्स मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कौन सी गाड़ी को ख़रीदने में आपका ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपको एक फैमिली और ऑफ रोडिंग व्हीकल चाहिए तो आपके लिए ये तीनों गाड़ियाँ एकदम परफेक्ट हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी डिलीवरी चाहिए तो आपके लिए एक बड़ी ऑप्शन बन जाता है मारुति सुजुकी जिमनी 5-डोर, क्योंकि मारुति आजकल 2400 घंटे काम कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन को लेकर, यानी कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी हो चुकी है कि 2400 घंटे काम करके वो आपको गाड़ी टाइम टू टाइम पर डिलीवरी कर देंगे। अगर हम बात करते हैं महिंद्रा की, तो महिंद्रा आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी गाड़ी को कम प्राइस पर लॉन्च करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उनका प्राइस इतना बढ़ा देते हैं कि आपके बजट से थोड़ा बाहर चली जाती है गाड़ी। लेकिन मारुति के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने जो प्राइस बता दिया तो मतलब बता दिया, और इतना प्राइस पे करने के बाद अगर आप महिंद्रा थार 5-डोर लेते भी हैं तो आपको काफ़ी लंबी वाली वेटिंग का सामना करना पड़ता है। वहीं पर आपको मारुति सुजुकी 5-डोर जिमनी के साथ ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी, और फोर्स गुरखा तो आपको हैंड टू हैंड डिलीवरी हो ही जाती है, यानी कि 5 से 10 दिन में आपको उसकी डिलीवरी मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।